खाद संकट और कालाबाजारी पर राज्य सरकार का बड़ा फैसला आया है। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान इस पर आया है। उन्होंने कहा, कालाबाजारी करने वालों पर रासुका लगाई जाएगी। खाद संकट को लेकर विपक्ष के सवालों पर मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कमलनाथ अपनी सरकार के समय की बात भूल गए हैं। कांग्रेस सरकार में लक्ष्मण सिंह खाद की पर्ची काटते थे और उनके मंत्री रोड पर धरना देते थे। कोरोना को लेकर उन्होंने कहा कि कोरोना नियंत्रण में है, 24 घंटे में 12 नए प्रकरण आए हैं। मध्य प्रदेश में अभी एक्टिव कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 132 है। वहीं कोयले के संकट को लेकर कहा कि कोयले की कोई कमी नहीं है, कोयला कंपनियों का पैसा भी सरकार दे रही है। दशहरे के दौरान कोरोना गाइडलाइन को लेकर कहा, उत्साह और आनंद से मनाए दशहरा पर्व, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लोगों से अपील की, कार्रवाई के नाम पर भ्रम न फैलाएं। कमलनाथ जी शायद वो अपने समय की बात भूल गए खाद के संकट की, जब उनके वरिष्ठ विधायक कई बार के सांसद और विधायक लक्ष्मण सिंह जी खुद पर्ची काट रहे थे, उनके विधायक धरने पर बैठे थे खाद के संकट को लेके। हाँ, पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि खाद की कालाबाजारी करता हुआ कोई भी मध्य प्रदेश में पकड़ा जाएगा तो उस पर रासुका की कार्रवाई करेंगे। कोरोना के क्षेत्र में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12 नए प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर आए, 8 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर, गंतव्य की ओर रवाना हुए हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश में 135 एक्टिव केस वर्तमान में हैं। संक्रमण दर हमारी 0.02% मध्य प्रदेश की है, जबकि ठीक होने की, रिकवरी की दर हमारी स्थिर बनी हुई है, 98.6 पर है। पिछले 24 घंटे में 61,427 सैंपल मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के लिए गए। पूरा दिन से यही सुन रहा हूं मैं कि 4 दिन का कोयला बचा है, सुनते सुनते 14 दिन हो गए मेरे। हमने तब भी कहा था, हम अब भी कह रहे हैं कि पूरी सरकार केंद्र की, राज्य की चैतन्य है। 50,000 मजदूर डे एंड नाइट कोयले की खुदाई कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी पहली रेक आ गई है कोयले की, कोई कोयले का संकट नहीं है। कोरोना गाइडलाइन के तहत जो गाइडलाइन जारी की गई है, कोई भी दुर्गा उत्सव आराम से मनाए, दशहरा उत्सव आराम से मनाए, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई भ्रम न फैले जैसे पूर्व में फैला दिया था कि केस लगा दिए।